गाइस गांव आके एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है, क्योंकि यहाँ का क्या होता है ना कि एटमोसफेयर इतना जबरदस्त है और सुबह चिड़ियाओं की जो आवाज़ है जो सुन के हम लोग उठते हैं। ये मेरा घर है, देखिए पहाड़ वाला घर अपना। जैसे अभी सनराइज हुआ है, मतलब मॉर्निंग सनराइज तो बहुत पहले हो गया, 10 बज गए थे। ये ऐसे पुराना का टाइप का जो बना हुआ है और उधर नया वाला, तो निहारिका सुबह सुबह दे रही है यहाँ पे। ये गेरू ला के इसमें चावल के आटे का मतलब पीस के अपड़ बोलते हैं इसको, अल्पना आलेखन हिंदी में, वैसे अपड़ बोलते हैं पहाड़ी में। तो ये लक्ष्मी जी के पाँव बना रही है, मतलब लक्ष्मी जी के पाँव बना रही है। आजकल रेडीमेड आ रहे हैं, लेकिन निहारिका ट्रेडिशनल वे पे चल रही है और बनाने लगी है अभी ये। पापा का भी सुबह से कारोबार चल रहा है, मम्मी भी लगी हुई है, कहना अभी तक खाना नहीं मिला है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग आ गए नैनीताल से सीधे पहाड़, वो ब्लॉग आपने देखा। उसके बाद मतलब यहाँ आके ना थोड़ा मज़ा आता है पहाड़ में आके। यहाँ ब्लॉग करने में भी बहुत मज़ा आता है, ब्लॉग करने में जितना मज़ा मतलब पहाड़ में आता है उतना मेरे को कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ अपना गांव है, सब कुछ अपना है। तो देखो ये है कारोबार, ये बड़ी है, ये मतलब ककड़ी को हम लोग कद्दूकस कर लेते हैं, साथ में उड़द की दाल पीस के दोनों को मिक्सर करके ऐसे सुखाते हैं और इसको मतलब बनाते हैं। वो आप अगर सर कुछ देखना होगा तो निहारिका की ये रेसिपी बड़ी साग भात मतलब मैंने डाल रखी है निहारिका ने अपने चैनल में, तो वो आप देख लेना। साथ में देखिए चौलाई है, इधर देखिए रेस होती है ऐसे करके, इसके अंदर केले हैं पहाड़ी पकने के लिए रखे हुए मम्मी लोगों ने हमारे लिए। साथ साथ में नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, और फूल तो यहाँ कोई कमी नहीं है। देखो आप फूल तो पहाड़ का ऐसे ही रहता है हिसाब किताब, ऐसे आगे में ही सब कुछ काम होता है। तो अभी मुझे करना है लंच या ब्रेकफास्ट, या दोनों एक साथ ही हो जाएगा क्योंकि 11 बज गए। तो उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा हमारे गांव की मार्केट में। तो ये हमारे दाजू गांव के, ये आईटी एक्सपर्ट है और मतलब इनका अपना वहाँ पे कंप्यूटर की दुकान है, और साथ साथ में आप कंप्यूटर सपोर्ट भी देते हैं ना। ये हमारे राजू दा हैं, वैसे इनको सब लोग गांव में रेडिक्स रेडिक्स बोलते हैं, रेडिक्स कंप्यूटर करके इनकी द्वारहाट के बीच में मतलब अपनी शॉप है। तो ये भी अपनी शॉप की ओर जा रहे हैं, मैं भी शॉपिंग मतलब क्या सामान लेने के घर का, वो मैं लेने जा रहा हूँ। घर वालों ने रिक्वायरमेंट में पर्ची पूरी दे दी है बना के, दूध का पैकेट है ऐसा सारा सामान घर का, थोड़े बहुत दिवाली के पटाखे भी खरीदने हैं। मार्केट देखें कैसी है, देखो ना एटमोसफेयर कैसा है। इधर बकरियाँ चल रही हैं, भैंस के बच्चे चल रहे हैं, थोड़ा ऊँचा ऊँचा उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन है काफ़ी अच्छा। एक्सरसाइज पूरी हो जाती है रास्ते भर की, ऊपर नीचे चलो, बीपी शुगर सब ओके। का कर रहा था। तो हमारे चाचा जी हैं गांव के, ये अभी चाची भी हैं पहला जी रहे। अशोक खड़ा था लच्छू की दुकान में, तो इसको बता। तो ये हमारे गांव के दाजू रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं, भारत देश की मतलब बहुत ज्यादा सेवा की हुई है, और साथ में इन्होंने मकान लगाया ये, आज जब रिटायरमेंट आ गए उसके बाद इन्होंने कारोबार देखो इन्होंने लगाया हुआ है, अदरक पिनाऊ लहसुन मूली गडेरी गेंदा फूल। चलो बाजार को आ रहे हैं, चलो रुको राजू रुक जाए एक मिनट, बाजार को आ रहे हैं राजू भी। तो ये इन्होंने बिल्कुल रोड के किनारे मकान है, रोड है ना, धीरे धीरे गांव पलायन करते हैं, रोड की ओर आ रहा है। हाँ पहले व्यक्ति है इन्होंने गाँव छोड़ के, गाँव वालों को दिखाया कि रोड के किनारे मकान ला के कैसा होता है हिसाब किताब, और यहाँ बाकियों ने बेच दिए है सब दूसरों को। महंगाई ने दुकानदारी में तुम्हारे कुछ किया हुआ है कि नहीं? किया, बहुत बढ़िया हो रहा है, दुकानदारी सही चल रही है, सही चल रही है। अच्छा फिर तो ठीक है, मतलब तुम हमेशा महंगाई महंगाई लिखते रहते ना, महंगाई होगी आदमी की कमर टूट गई है। तो ये हमारे अधिकारी जी, दीपक अधिकारी जी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, हमारे मतलब गाँव के सबसे समीप आई दुकान है, तो मोस्टली पीपल यहीं से राशन पानी ईटा सरिया बजरी सब यहीं से लेके जाते हैं। तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। अब बताओ गाँव का कंट्रोल, ये गांव के कंट्रोल में देखो सब लोग आ जाते हैं सुबह से, गेहूँ खाते रहते हैं, खाली कच्चा खा खा के पूरा कंट्रोल का आइटम इन्होंने खत्म करके रखा हुआ है। तो ये हमारे बचपन के दगड़ी अजीत बाबू हैं, दिवाली में मुलाकात होती है। ये हमारे हैं सुनील चचा, क्योंकि जो दिवाली में मुलाकात होती है। ये हमारा दादा जो हमेशा यहाँ अवेलेबल है, जब भी हम आते तब मुलाकात हो जाती है। ये दोनों भाई बाहर नौकरी करते हैं। ये हमारे रोतला जी हैं, इनको तो पूरा दोहाटी जानता है। आपका नाम क्या हुआ? गोपाल सिंह।
ये दौरा हाट पटाखों का व्यापार कैसे चल रहा है? सही चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा तुम फोटो नहीं ले रहे हैं, वीडियो बनाते हैं सीधे। अच्छा, जो जो आदमी काले काम करता है उसकी वीडियो बनाते हैं। हेलो अजीत भाई, ये जग्गू की लालटेन के एकमात्र कलाकार जो द्वाराहाट में है, इनकी पिक्चर कब रिलीज हुई थी? 14 तारीख को रिलीज हो गई है कि हो गई रिलीज? देख ली पिक्चर आपने? पिक्चर मैंने देखी नहीं अभी, लिंक अभी आने वाला है। अच्छा अभी देखी नहीं, टाइम नहीं था, बिजी था मैं। ओटीआई ऐप में रिलीज हुई है तो तुम्हें दिखा देंगे हम पिक्चर, ठीक है? पूरी की पूरी महंगाई का क्या दिवाली में कोई प्रभाव पड़ा है? हैप्पी 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 दीपावली, कोई प्रभाव नहीं, कोई बात नहीं। दुकानदारी मस्त चल रही है ना? बढ़िया बढ़िया, ये हमारे मटपाल जी बधाई है सर आपको। एक मात्र लेटेस्ट डिजाइन और उसके मतलब ये वो है क्या बोलते हैं लेकर आते हैं मतलब विक्रेता कपड़ों में, वो भी सिर्फ जेंट्स आइटम, लेडीज इज नॉट अलाउड, सिर्फ जेंट्स आइटम। मित्र बाबी शुभ नाम क्या है? चंदन। चंदन का शुभ नाम किसान है। और आपको पहाड़ी गाना गाते सुनना ही नहीं है? पहाड़ी गाना गाते हैं ना? एक गाना सुनाने को बोलते उनको यार। द्वाराहाट में लगी है मतलब पटाखों की मार्केट, काफी लूट है इस बार। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ काम हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसका जो दीवार वार टूटी है तो रास्ता इस बार उधर से। फिर उसके बाद देखते हैं पटाखों की रेट क्या है, पहले थोड़ा मार्केट का जायजा और ले लेते हैं। फिर पत्रकार, अरे क्या बात है, विमल शाह जी हैं द्वाराहाट की सही अपडेट न्यूज़ के लिए ये मिलेंगे। जैसे मैं आज कैमरा लेके खड़ा हूँ उनके सामने, ये पूरी जनता के सामने खड़े रहते हैं। ये हैं देखिए हमारे हेमुदा जो बनाने बर्गर, और द्वाराहाट में बर्गर इनसे अच्छा कोई बना नहीं सकता, लेकिन आपका बर्गर तो विदेश होता मशहूर है। मैंने दो तीन अंग्रेज लोग की पोस्ट देखी जो यहाँ खा के गए होंगे। हेलवे रेस्टोरेंट के ये मालिक हैं और बहुत से कुशल कारीगर भी हैं। बर्गर मतलब इनका हाथ ऐसा है, आप खाओगे तो उम्मीद जाते रहोगे, क्योंकि हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं। थैंक यू भाई। तो ये है हमारे प्रतापदा, ये मतलब यहाँ के सांस्कृतिक मंच के मतलब बहुत बड़े अध्यक्ष अध्यक्ष हैं। और जो द्वाराहाट जो क्या होता है सर्वोत्सव होता है ना, द्वाराहाट महोत्सव, द्वाराहाट महोत्सव का मतलब संचालन हेमदा ये एक वर्मा जी हैं, ये सब लोग मिलकर मतलब बहुत कुशल पूर्वक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई है चाय, ये है शुभम भाई हमारे, ये हैं दिवस भाई, ये हमारे गांव के बिल्कुल युवा नेता हैं, युवा नेता, युवा नेता, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए हैं, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए। तो हम बैठे हैं हिलवे स्पेशल में जो मिलता है, हिलवे रेस्टोरेंट काली गली रोड में, हम लोग बैठ के चाय की तुस्तियों के मज़े ले रहे हैं। इसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने के द्वाराहाट की मार्केट में, बम पटाखे ले लें, बम पटाखे। और हो गया जैसी दिवाली का सीजन आता है तो गांव में चहल पहल से बढ़ती है। कल तक एक लड़का नजर नहीं आ रहा था गांव में, अभी देखो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए ना गांव में हमारे, सिर्फ बुड्ढे बड्डे ही हैं, इतने बड़े जाना, इतने बड़े जाना, इतने बड़े जाना। ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखो। तो यह है द्वाराहाट की पटाखा बाजार, शीतला पुष्कर मैदान में लगी हुई है। ये देखो नानतिन सब लोग आए हुए हैं खरीदने के लिए पटाखे। बच्चा पार्टी कहाँ गई यार, छोटे आ रहे घूम से दिखाई नहीं दे रहे। हाँ तो इस टाइप के यहाँ मार्केट है, पटाखे का जायजा लेते हैं पहले, कितने महंगे कितने सस्ते। सब लोग की नज़र हमारे कैमरे की ओर ही है, क्योंकि ये कैमरा थोड़ा अलग टाइप का है ना, तो इसलिए लोग इसकी ओर देख रहे हैं। हमारे कहलाता है बचपन में हम लोग मंदिर में पढ़ते थे, निक्की की दुकान से हम लोग कॉपी किताब खरीदा करते थे, आज ये पटाखे की दुकान लगे। तो बताओ रेट बताओ कितने कितने क्या क्या है, महंगे हैं पटाखे इस बार सस्ते हैं? इस बार जो है पटाखों में मुर्गा छाप, हाँ, और क्या कहते हैं अनार चक्री, हाँ, चक्री महंगी है, महंगी है। और जो आसमान में आते हैं वो वही है, वो वही रेट है। मतलब रेट बड़ा है पटाखों का इस बार, महंगाई का असर पटाखों में पड़ा हुआ है? पड़ा है, पड़ा है, पूरा पड़ा है। कहाँ से लेके आते हो मेटेरियल? अभी ये हम शिवाकाशी से मंगाते हैं। अच्छा, बहुत दूर से आता है। तो अलग अलग वैरायटी के पटाखे हैं, थोड़ा शगुन देने के लिए हम भी ले रहे हैं, हमारे लम्बू भाई और हम, लम्बू भाई तो ऊपर कैमरा ऊपर करना पड़ता है। भीड़ भरी, देखो सामान हमने ले लिया, पूरी शॉपिंग होगी 2000 रुपये के पटाखे, और ऐसा कुछ नज़ारा, पुलिस दल भी पूरा है, सब लोग ऐसे थे ब्लॉग बनाते हुए। कमल दा क्या मिठाई पे क्या वो महंगाई का जोर है कि नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कमल दा है ये मिठाई वाले, तो कैसा था ठंडा पानी? दिवाली की शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई है। मैं द्वाराहाट का जो है बाजार दिखा रहा हूँ लोगों को। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सुनाओ। द्वाराहाट की पुरानी गली, यहाँ पीछे साइड में जो मार्केट है, तो कुछ ऐसी है। नमस्कार बिट्टू दा, दिवाली की शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। हाँ साथ में रिकॉर्डिंग भी करते हैं, बाजार दिखाते हैं द्वाराहाट की, तो ऐसी है।
अदा बिंदा नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। हाँ, तो ऐसा है यहाँ का पूरा मार्केट। भरजी नमस्कार, शुभकामनाएं दिवाली की बहुत बहुत। तो ऐसा है, नमस्कार जगदा। शॉपिंग करके हम लोग आ गए। एक झूला मेरा हाई ये है, एक झूला भाई पीछे पकड़ के रखा हुआ है। भाई लोग ऐसे चल रहे हैं। वो उधर दूर हमारी बाजार है, ये हमारा काकड़ी बोर्ड हुआ, जहाँ आज हम रेस्ट नहीं करेंगे वरना और दिन रेस्ट करते हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग दौड़हाट का, बिल्कुल जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।